हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल ऑल टेक अनबॉक्सिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हब अप बेस जेट वायरलेस नेकबैंड ईयरफोन का। तो क्या है वो, चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज इसे कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिए। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, जिससे मैं कभी भी अपने चैनल में नई वीडियो पोस्ट करूं उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे जो प्रोडक्ट का लुक होगा कुछ इस तरह का होगा, जैसा आप यहाँ पे पैकेजिंग बॉक्स में देख रहे हैं। अगर हम यहाँ पे ऊपर की ओर देखें तो यहाँ पे लिखा है हबअप, जो कि एक ब्रांड नेम है। इसके साथ साथ अगर हम नीचे की ओर देखें तो यहाँ पे बेसजेट, जो कि मॉडल नेम है। इसके साथ अगर हम राइट हैंड साइड में नीचे की ओर देखें, यहाँ पे लिखा है फील इट लिव इट। अगर हम बॉक्स को पीछे की ओर देखते तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशन यहाँ पे इन्होंने दिखा रखे हैं, जो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके यहाँ पे आराम से यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम बॉक्स को लेफ्ट हैंड साइड से देखते हैं तो यहाँ पे कुछ फीचर्स की यहाँ पे बात करी गई है। वो फीचर्स कुछ इस तरीके से हैं। सबसे पहले इसमें आपको 17 घंटे का बैकअप टाइम मिल जाता है। जी हाँ, अगर आप यहाँ पे म्यूजिक लगातार सुनते हैं तो यहाँ पे 17 घंटे तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको 850 हर्ट्ज का स्टैंड बाय टाइम देखने को मिलता है। जो यहाँ पे चिपसेट यूज करी गई है इसके अंदर, वो करी गई है क्वालकॉम कंपनी की, जो जिसका सीरियल नंबर है QCC3003। इसके साथ यहाँ पे ब्लूटूथ वर्जन जो यूज करा गया वो है 5.0। यहाँ पे स्वेट प्रूफ टेक्नोलॉजी जो यूज करी गई है वो है IPX4। इसके साथ यहाँ पे जो बैटरी इसमें जो यूज करी गई वो है 240 mAh की। यहाँ पे दोनों असिस्टेंट में ये सपोर्टेबल है, जो कि गूगल एंड सिरी। इसके साथ साथ आप इस ईयरफोन को दो अलग अलग ब्लूटूथ डिवाइस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, वो भी एक साथ। तो फ्रेंड, यहाँ पे अगर बात करी जाए इसके प्राइस की तो ये पड़ेगा आपको 1700 रुपए का, अगर आप इसे अमेजोन से लेते हैं। और अगर बात करी जाए यहाँ पे पैकेजिंग की, तो पैकेजिंग मुझे यहाँ पे काफी पसंद है। यहाँ पे काफी प्रीमियम पैकेजिंग मुझे देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी यहाँ पे सील ब्रोकन का सिंबल मुझे देखने को नहीं मिला। अगर आप इसे ऊपर से देखें तो भी सील लगी, और अगर आप इसे नीचे से देखें तो भी ये सील पैक है। तो फ्रेंड, चलिए इसको फटाफट अनबॉक्स करते हो, देखते हमारा प्रोडक्ट दिखता कैसा है। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैंने अपना प्रोडक्ट पूरी तरह से अनबॉक्स कर लिया। अनबॉक्स करने के बाद जो इसमें मुझे कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं, सबसे पहला उसमें मैनुअल, तो मैनुअल कुछ इस तरह की होगी। आपको कुछ मैनुअल इस तरह की दिखेगी, इसमें आप इसे देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं वीडियो को पॉज करके। इसके बाद जो कॉम्पोनेंट्स मुझे देखने को मिलता है वो है मेरा चार्जिंग केबल। तो चार्जिंग केबल जैसी होती है सबकी फ़ोन की, उसी तरह की है, बहुत पतली ये केबल है, तो इसको भी मैं किनारे रखता हूँ। इसके बाद मुझे यहाँ पे दो सेट के ईयर टिप्स दिखेंगे, जो कि कुछ इस तरह के होंगे, तो इसको भी मैं किनारे करता हूँ। और यहाँ पे जो मेरा मेन कॉम्पोनेंट है वो है मेरा ईयरफोन। तो ईयरफोन का लुक कुछ इस तरह का होगा, जैसा आप देख रहे हैं काफ़ी प्रीमियम लुक मुझे यहाँ पे दिख रहा है, काफ़ी प्रीमियम लुक यहाँ पे मुझे दिख रहा है। और तो इसको मैं किनारे कर लेता हूँ। तो ईयरफोन कुछ मुझे इस तरह का दिखता है, जैसा आप देख रहे हैं। फ्रेंड, यहाँ पे अगर मैं ईयरफोन की यहाँ पे बात करूँ तो ये पूरा एक डिज़ाइन, एक कॉलर टाइप का डिज़ाइन यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें लेफ्ट साइड की, तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम अप मिलता है, यहाँ पे वॉल्यूम डाउन मिलता है, यहाँ पे बीच में पावर बटन मिलता है। इसके साथ एक और बटन आपको यहाँ पे मिलता है, वो है 3D बटन। तो 3D बटन आपको यहाँ पे कुछ फ्रेंड्स देखने को मिलेगा। ये काफ़ी छोटा है तो मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा रहा हूँ।
तो ये देखिए, देख सकते हैं आपकी ये 3D बटन है यहाँ पे। इसके साथ ऊपर की ओर आपको मिलेगा चार्जिंग स्लॉट। इसके साथ अगर बात करें हम राइट हैंड साइड की, तो यहाँ पे आपको हबहब का लोगो दिखेगा या हबहब का टेक्स्ट दिखेगा। इसके साथ अगर हम पीछे की यहाँ पे बात करें, तो यहाँ पे इन्होंने दे रखा लेफ्ट और राइट। यहाँ पे अगर बात करें राइट वाले में, तो यहाँ पे आपको बटन पूरे देखने को मिलते हैं, और जबकि लेफ्ट वाले में यहाँ पे आपको बैटरी देखने मिलती है 17 घंटे वाली। इसके साथ ऊपर की ओर हम देखें तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी सी ग्रिप यहाँ पे देखने को मुझे मिल रही है, जो कि काफ़ी प्रीमियम यहाँ पे प्रोडक्ट यहाँ पे शो करता है। तो फ्रेंड यहाँ पे अगर हम बात करें ईयरबड्स की, तो यहाँ पे आपको मैग्नेटिक ईयरबड्स देखने को मिलता है। इसके साथ साथ बात करें यहाँ पे ईयर टिप्स की, तो यहाँ पे जो ईयर टिप्स यहाँ पे प्रोवाइड कराए गए, काफ़ी प्रीमियम यहाँ पे ईयर टिप्स आपको प्रोवाइड कराए गए। यहाँ पे काफ़ी ये सॉफ्ट है, काफ़ी स्पॉन्जी है, और अगर आप कान में इसको देर तक भी लगाते तो आपके लिए काफ़ी ये कम्फर्ट भी रहेंगे। इसके साथ अगर हम बात करें फ्रेंड यहाँ पे ईयरफोन वायर की, तो यहाँ पे जो आपको ईयरफोन वायर यहाँ पे प्रोवाइड कराया जा रहा है वो रबड़ का है। ना ही ये ज़्यादा ठीक है, ना ही ये ज़्यादा थिन है, अगर तुलना करी जाए दूसरे ईयरफोन से तो ये काफ़ी यहाँ पे अच्छा है। तो फ्रेंड चलिए हम लोग देखते हैं जो हमारा ईयरफोन है दो अलग अलग डिवाइस से एक साथ कनेक्ट हो पाता है या नहीं। तो फ्रेंड यहाँ पे सबसे पहला जो मेरा डिवाइस होगा वो होगा मेरा यहाँ पे मोबाइल फोन, आप इसे देख सकते हैं, और जो दूसरा डिवाइस मेरा होगा वो मेरा होगा यहाँ पे PC। यहाँ पे कनेक्ट करने से पहले फ्रेंड्स आपको यहाँ पे सुनिश्चित करना होगा क्या आपका जो ईयरफोन है डिवाइस है वो फुली चार्ज है कि नहीं। अगर नहीं है तो प्लीज इसे पूरा चार्ज करिए। आपको इसे पूरा चार्ज करने में 1.5 घंटा लगेगा अगर आपके पास यहाँ पे 10 वाट का यहाँ पे चार्जर है। वहीं पे 2 घंटा समथिंग लग सकता है अगर आपके पास यहाँ पे 5 वाट का चार्जर है। तो मैं इसे पहले कनेक्ट करूंगा अपने मोबाइल फोन से, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं पावर बटन जो कि बीच वाला यहाँ पे बटन है, इसको होल्ड करे रहेंगे, प्रेस एंड होल्ड करे रहेंगे, तो जब तक यहाँ पे ब्लू और रेड लाइट एक साथ ना जलने लगे तब तक करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, ये पेयरिंग होने के लिए तैयार है। तो यहाँ पे हम जाएंगे अपने डिवाइस पे और यहाँ पे ब्लूटूथ डिवाइस को सर्च करेंगे। जो हमारा ब्लूटूथ डिवाइस यहाँ पे आएगा ईयरफोन का वो होगा हबहब, इससे यहाँ पे इसको कनेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सक्सेसफुली यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। जैसे कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पे जो ब्लू लाइट है वो ब्लिंक होने लगेगी, लगातार नहीं थोड़े थोड़े समय तक के लिए। तो फ्रेंड्स अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं ये जो हमारा ईयरफोन डिवाइस है ये हमारे दूसरे ब्लूटूथ डिवाइस से कनेक्ट हो पाता कि नहीं। यहाँ पे जो मेरा दूसरा डिवाइस है ब्लूटूथ वो है यहाँ पे मेरा PC। तो यहाँ पे फ्रेंड्स कनेक्ट कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे जो आपका पहला जो डिवाइस है जिससे ये ईयरफोन कनेक्टेड है उससे हम यहाँ पे डिसकनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो मेरा पहला डिवाइस है वो यहाँ पे मेरा है ये एंड्रॉयड फोन। तो यहाँ पे हम सिंपली यहाँ पे ब्लूटूथ ऑफ कर देंगे। याद रखिएगा यहाँ पे मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे अनपेयर नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स क्या करेंगे, हम अपने PC में जाएंगे और PC में यहाँ पे हम अपनी सेटिंग को यहाँ पे चूज करेंगे और खोलेंगे ब्लूटूथ की। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक ऐड अ डिवाइस, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम चूज करेंगे ब्लूटूथ, और उसमें यहाँ पे हम सर्च करेंगे अपना डिवाइस जो कि मेरा है हबहब बेस्ड, और इससे हम यहाँ पे कनेक्ट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपका जो पहला डिवाइस था जिससे हमने ईयरफोन को डिसकनेक्ट किया था उससे दोबारा यहाँ पे कनेक्ट कराने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम सिंपली जाएंगे अपने मोबाइल पे और यहाँ पे ब्लूटूथ को यहाँ पे सिंपली ऑन कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सक्सेसफुली यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है, और उसी समय हमने यहाँ पे अपने PC में भी कनेक्ट कर लिया, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब हम देखेंगे जो मेरे पास ये ईयरफोन है ये मेरे गूगल असिस्टेंट या सिरी असिस्टेंट को यहाँ पे सपोर्ट करता है कि नहीं। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपके जो डिवाइस है उसमें पहले से ही गूगल असिस्टेंट यहाँ पे इंस्टॉल्ड होना चाहिए और एनेबल भी होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे हम पावर बटन को 2 बार दबाएंगे और 3री बार होल्ड करेंगे। तो यहाँ पे मैं आप देख सकते हैं मैंने इसको 2 बार यहाँ पे दबाया और 3री बार मैंने होल्ड किया, तो यहाँ पे हमारा यहाँ गूगल असिस्टेंट खुल गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ भी यहाँ पे देंगे तो यहाँ पे ये ओपन कर देगा। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं इससे कहूँगा ओपन YouTube, फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने मेरा यहाँ पे YouTube ओपन कर दिया है। मैक्सिमाइज विंडो में तो ओपन नहीं किया, लेकिन हाँ यहाँ पे मिनिमाइज विंडो में इसने ओपन कर दिया। तो यहाँ से फिर हम चूज कर सकते हैं, तो इसने यहाँ पे YouTube भी चला दिया। अब यहाँ पे मैं सर्च करूंगा NCS का म्यूजिक और देखते हैं कि इसका जो साउंड क्वालिटी है वो कैसी है। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा NCS म्यूजिक, तो यहाँ पे मुझे NCS म्यूजिक मिल गया है। तो यहाँ पे मैं यही वाला चलाता हूँ, देखते हैं इसके साउंड क्वालिटी कैसी है। तो यहाँ मेरा साउंड बजने लगा है और साउंड क्वालिटी यहाँ पे मुझे बहुत अच्छी सी यहाँ पे आवाज़ आ रही है, पता नहीं आप लोगों को आ रही कि नहीं। तो मैं थोड़ा इसको जूम करके आपको दिखाता हूँ।
trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on. फ्रेंड्स, मैंने अभी अभी आपको यहाँ पे एक म्यूजिक सुना जो कि NCS का था। यहाँ पे जो म्यूजिक बजा काफी यहाँ पे क्लीन था, क्लियर था, काफी कंफर्ट वाला था। यहाँ पे सच में फ्रेंड्स आपको डीप बेस देखने को मिलता है। अगर आप यहाँ पे 3D साउंड या सॉन्ग सुनते हैं तो आपको इसमें काफी मजा आने वाला है। तो बात करते हैं फ्रेंड्स इसके कुछ डिसएडवांटेजेस की, वो ये। सबसे पहले जब आप इसको दो डिवाइस से एक साथ कनेक्ट करते हैं तो इसमें आप एक वक्त पे एक ही कहीं म्यूजिक सुन पाते हैं, जबकि दूसरा जो डिवाइस है वो पॉज कंडीशन में चला जाता है। तो अगर आपके मन में ऐसा है कि मैं दोनों डिवाइस का एक साथ इसमें म्यूजिक सुन पाऊँ, तो ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर जो दूसरा डिसएडवांटेजेस मुझे फ्रेंड्स ये लगा है कि जहाँ पर जो मिक है इसका वो सिर्फ मोबाइल के लिए यहाँ पे यूज़ होता है, लेकिन मिक जो यहाँ पे क्वालिटी है मिक की बहुत ही अच्छी यहाँ पे दे रखी, काफ़ी यहाँ पे लाइट वेट वाली यहाँ पे वॉइस निकल के आती है। लेकिन जब आप इसको PC में यूज़ करते हैं वहाँ पे मिक बिल्कुल भी काम नहीं करता है। इसका जो तीसरा डिसएडवांटेजेस मुझे फ्रेंड्स लगा है वो ये है कि यहाँ पे जो ये लीड दे रखी है ईयर वायर, ये काफ़ी यहाँ पे पतले भी नहीं, ना ही ज़्यादा मोटे, लेकिन मुझे लगता है इसको और थोड़ा ये मोटा कर सकते थे। इसके साथ साथ यहाँ पे फ्रेंड्स मुझे इसमें और कोई भी यहाँ पे कमी नहीं लगी, बाकी सब कुछ इसमें मुझे अच्छा लगा, सब कुछ यहाँ पे बेटर लगा। नॉइज कैंसिलेशन यहाँ पे बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है। तो फ्रेंड यहाँ पे एक क्वेश्चन ये उठता है कि मुझे भी अपने डिवाइस के लिए एक ऑडिबल डिवाइस चाहिए, तो मैं कौन सा यहाँ पे ऑडिबल डिवाइस खरीदूँ और किस कंपनी का यहाँ पे ऑडिबल डिवाइस खरीदूँ। तो फ्रेंड सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा जो स्टैंडर्ड यहाँ पे बना रखा है, अगर आपके पास यहाँ पे PC या लैपटॉप है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप हेडफोन के तब जाइए, हेडफोन आपको काफ़ी अच्छा म्यूजिक का यहाँ पे रिस्पॉन्स दे सकता है। लेकिन अगर वहीं पे आपके पास यहाँ पे मोबाइल या टैबलेट है तो मैं आपको कहूँगा यहाँ पे आप ईयरफोन को चूज़ करिए। यहाँ पे ईयरफोन में भी दो कैटेगरी आ गई है, पहली कैटेगरी का यहाँ पे मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ जो कि नेक बैंड है, दूसरी यहाँ पे कैटेगरी आई है ट्रोन। तो ट्रोन यहाँ पे काफ़ी डीपली ईयर के अंदर चला जाता है, लेकिन अगर आपको लगता है खोने होने का यहाँ पे डर लगता है, अगर आपको लगता है कि मैं इतना केयर नहीं कर पाऊंगा अपने उस ब्लूटूथ डिवाइस की, तो मैं कहूंगा वहां पे आप ट्रोन ना लीजिए, उसकी बदले आप यहाँ पे नेक बैंड ले सकते हैं। वहीं पे बात करें अगर आप यहाँ पे चाहते हैं कि डीप बेस आपको मिले, काफ़ी यहाँ पे 3D साउंड का यहाँ पे इफेक्ट मिले, तो मैं वहाँ पे कहूँगा कि आप वहाँ पे हेडफोन ना खरीदें, उसकी बदले आप यहाँ पे ईयरफोन ही खरीदें, क्योंकि हेडफोन आपको किसी भी तरह से डीप बेस नहीं प्रोवाइड कर सकता, चाहे आप सोनी का ले, चाहे आप JBL का ले, चाहे आप बोट का ले, हेडफोन आपको किसी भी तरह से डीप बेस यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करा सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ईयर टिप जो ईयरफोन के होते हैं वो काफ़ी डीपली ईयर के अंदर चले जाते हैं, जिससे म्यूजिक सुनने का काफ़ी मज़ा आ जाता है। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पे म्यूजिक लवर हैं और यहाँ पे आप किसी भी प्रकार का यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहते अपने म्यूजिक के साथ, तो मैं कहूँगा आप स्ट्रेट वे जाइए JBL की तरफ, सोनी की तरफ या फिर बोट की तरफ। यहाँ पे आपको बैकअप टाइम थोड़ा कम मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको डीप बेस के साथ साथ यहाँ पे 3D साउंड का भी यहाँ पे इफेक्ट मिलेगा। 3D साउंड यहाँ पे जो होगा थोड़ा कम आपको देखने को मिलेगा, इसके साथ साथ यहाँ पे जो इसके प्राइस हो सकते हैं वो काफ़ी यहाँ पे ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे एक ऐसा ईयरफोन ढूंढ रहे हैं जिसका बैटरी बैकअप आपको ज़्यादा मिले और जिसमें आपको डिसेंट म्यूजिक सुनने को भी मिले और साथ ही साथ इसमें सारे के सारे फीचर आपको मिल जाएं और जो कि कम प्राइस में अवेलेबल हो, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही यहाँ पे ईयरफोन यहाँ पे नज़र आता है, वो है Zoom Close 2। इसमें जो आपको बैकअप टाइम मिलता है वो है 48 आवर्स का। यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है क्या इस ईयरफोन का किसी और ईयरफोन से कंपैरिजन हो सकता है, तो हाँ फ्रेंड्स इसका कंपैरिजन हो सकता है। यहाँ पे जो कंपैरिजन करने वाला वो डिवाइस है वो है बोल्ट ऑडियो प्रो बास बस्टर और इसका जो प्राइस अमेजोन में वो है 1500 रुपये। तो यहाँ पे फ्रेंड्स कुछ फीचर इन्होंने दे रखे बोल्ट में। पहला जो फीचर आपको दिखेगा इसमें है ईयर टिप्स लॉकर, जिससे ईयरबड्स आपके हिलेंगे नहीं। दूसरा यहाँ पे ईयर वायर जो दे रखा है काफ़ी यहाँ पे थिक दे रखा है, थिन नहीं है, काफ़ी यहाँ पे थिक है, तो जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जल्दी टूटेगा नहीं। इसके साथ यहाँ पे डिज़ाइन की बात करें तो डिज़ाइन मुझे कुछ खास इसका लगा नहीं है नेकबैंड का, जैसे नॉर्मल सारे नेकबैंड होते हैं वैसे ये। यहाँ पे जो बैटरी बैकअप आपको मिलता है वो मिलता है यहाँ पे 10 घंटे का, यहाँ पे जी हाँ 10 घंटे का आपको बैटरी यहाँ पे बैकअप मिलता है। इसके साथ साथ जहाँ पे नॉइस कैंसिलेशन आपको नहीं मिलता, यहाँ पे मिलता है नॉइस आइसोलेशन थोड़ा नॉइस कैंसिलेशन से ज़्यादा अच्छा फीचर है। इसमें इन और आउट दोनों में ही कैंसिलेशन होता है।
फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपको कुछ यहाँ पे टिप्स देना चाहता हूँ। वो टिप्स ये है कि जब भी आप यहाँ पे ईयरफोन खरीदें या कोई भी प्रोडक्ट खरीदें, उसका जो पैकेजिंग बॉक्स है उसको एटलीस्ट एक साल तक अपने पास रखें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बिल हमसे खो जाता है तो हम बिल ढूंढ नहीं पाते, तो उस बॉक्स में काफ़ी इन्फॉर्मेशन छपी रहती है, जैसे कि प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट आईडी और इवन सीरियल नंबर। इसके साथ जो दूसरी टिप्स ये है कि जब भी आप यहाँ पे चार्जर यूज़ करें, नॉर्मल चार्जर आप यूज़ करें अपने ईयरफोन के लिए, इससे आपके जो ईयरफोन की लाइफ होती काफ़ी लंबी हो जाती है। प्लीज़ इसमें फास्ट चार्जर ना यूज़ करें। आज की इस वीडियो में फ्रेंड इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी तो प्लीज़ इसे कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे मैं जब भी कोई भी नई वीडियो अपने चैनल में पोस्ट करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिलेगा। टिल देन बाय, गुड बाय, शब्बा खैर, और हाँ अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।